बड़ी खबर और दुखद खबर आ रही है हायाघाट थाना क्षेत्र के हनुमान नगर प्रखंड के। आपको बता दें कि यहां पर एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ है। दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति उसके पड़ोसी ही है। बताया जा रहा है कि बच्ची आसपास में खेल रही थी और उसके परिवार वाले एक शादी समारोह में गए हुए थे। यहाँ पर अपराधी ने इस मौके का फायदा उठाकर बच्ची को ले जाकर चॉकलेट देने के बहाने और जघन्य अपराध किया है। जघन्य अपराध करने में आपको बता दें कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है। उसके परिवार वाले ने तुरंत कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष को बताया। थानाध्यक्ष ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अब यहाँ पर गिरफ्तार कर थाना पर लाया है। बता दें कि ये जो मामला है, इस मामले को खासकर जो लोग आए हुए थे, आसपास के लोग ऐसे भी थे जो इस मामले को रफा दफा करना चाह रहे थे। और इस मामले को बता दें कि गांव में ही जो पंचायत है उस स्तर पर ये मामला समेटने की कोशिश कर रहे थे। दुखद खबर ये है कि इतना बड़ा जघन्य अपराध होने के बाद भी लोग इसमें राजनीति करते हैं। लोग इसमें चाहते हैं कि मामला रफा दफा हो जाए। आप समझ सकते हैं कि मानसिकता किस स्तर तक गिर गया है लोगों का। और ऐसे व्यक्ति जो खासकर छोटी सी बच्चियों के साथ जघन्य अपराध किया है, यहाँ पर विशेष कवरेज आप देखिए देख सकते हैं। जो यही है वो लड़का जो जघन्य अपराध किया है। हायाघाट थाना अध्यक्ष का इंटरव्यू सुनाते हैं और वही बताएंगे कि आखिरकार मामला क्या हुआ है और परिवार में ही जो उन लोग हैं उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पत्नी बाद में मालूम चला कि इसे बच्चा जो है ना, हाँ जोर से बोले, हाँ बच्चा जो है लेके चला गया था इसके साथ जो छेड़खानी कर रहा था। सब आदमी सब देखा तो उसको मारा। हम कहने गया था, हमको मालूम चला कहने गया तो बहुत बोला बोला यही बात है। तो थाना फोन किया, थाना आया। कौन से गांव का मामला है? वापत्ती। कौन सा प्रखंड है? हनुमान नगर थाना। आपका नाम क्या है? मोहन। कितने साल की बच्ची है? 5 साल। हाँ, क्या चाहते हैं आप इसमें? पंचायती बैठा हुआ था। कंप्रोमाइज कर रहे ठीक। जो यहाँ पर केस दर्ज हुआ है, क्या मामला है? छोटी सी बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, क्या मामला है? ये मामला ग्राम वापत्ती का है। कल रात को उनके घर के बगल में, प्रीता के घर के बगल में बारात आई हुई थी और उसी में प्रीता के माँ, माता और पिता गए हुए थे शादी अटेंड करने के लिए। लड़की घर पर अकेली थी, जिसको फुसला बहला करके उसके रिश्ते में चचेरा भाई लगता है, उसका नाम लालू राम है, बाप का नाम सुरिंदर राम है, बाप पत्ती का ही रहने वाला है। वो तो बच्ची को ट्रॉफी दिलाने के बहाने से बहला फुसला के पीछे झाड़ी की तरफ ले गया और उसके साथ वहाँ पर दुष्कर्म जैसा मामला किया। इस तरह की सूचना प्राप्त हुई थी प्रीता के माता पिता के द्वारा। उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग घेराबंदी कर करके निशानदेही पर लड़के को पूछताछ हेतु थाना लाए थे। जब पूछताछ के क्रम में थाना पर उसे पूछा गया तो उसने अपने सारे जुर्म को कबूल कर लिया, जिस पर गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध जो है कांड संख्या 7021 दर्ज किया गया है। उसमें धारा 376, 377, 354, 366 AIPC और 4/6 पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। पीड़िता का मेडिकल जांच वगैरह 164 का अभ्यास न्यायालय माननीय न्यायालय में कराया जा रहा है। भाई ये स्वस्थ मिल गया। ये बताएं कि बच्ची कितने वर्ष? बच्ची की उम्र 4.5 से 5 वर्ष है जी। तो इसमें जो आपको खबर आई थी उसके बाद आप लोग गए वहाँ पर, हाँ। किस प्रखंड का मामला है ये? हनुमान नगर प्रखंड हो गया, थाना हायाघाट, जिला दरभंगा का मामला है। लड़के का उम्र कितना? लड़के का उम्र 19 वर्ष है। रिश्ते में उसके चचेरा भाई ही लगता है दूर का। इसका घर और उसका घर काफ़ी नज़दीक में ही है और चूंकि घर में कोई था नहीं, इसका वो फायदा उठाया।